गाइज मेरे बाल आज बहुत ख़राब लग रहे हैं और ये मोहतरमा कह रही है कि ये मेरे बाल कट करेगी आज। करोगी तुम? हाँ, कोशिश करेंगे। मेरे को गंजू मत बना देना, बस मेरे को बाल चाहिए थोड़े। ठीक है, ओके आर्मी कट कर देना मेरा। अच्छा तो गाइज जैसे मैं हर सुबह पीता हूँ जिंजर वाला पानी, इसको उबाल रहे हैं जिंजर को। मैडम, हियर सम जिंजर वाटर सर्व फॉर यू। ये मेरा सिरोसिटी वाला मग जो मैं अब यूज़ करता हूँ, और ये मेरा बचपन वाला मग, इसमें जिसमें मैं पहले चोमू लगता था, इसमें देखो। देखा तुमने ये फोटो में? ओह गॉड। ये देखो, प्यूबर्टी ने गंदा हिट किया है। अच्छा हिट किया बेबी। मतलब गंदा, मतलब बहुत अच्छा गंदा है। तो गंदा डजंट ऑलवेज हैव टू बी गंदा, इट कैन बी ओ गंदा मारते हो, वो एक फील भी होती है। तो ऐसे भी ना बेबी, सिर्फ सुख करके फूल खिले बेबी। देखो हमारे घर के गार्डन में फूल खिले हैं। पी रहे चाय, इलायची वाली चाय बनाई मैंने। और ये देखो मैडम का चीट डे ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, कंटिन्यू। सुबह सुबह मैं चिप्स खाने लगती है। एक टिप है सबके लिए, अगर आप चाय पीते हो तो प्लीज़ ऐड शुगर फ्री और स्टीविया, समथिंग एल्स विच इज़ ज़ीरो कैलरी स्वीटनर। फालतू क्यों शुगर डालना है? यू रेजेज योर ब्लड शुगर, अननेसेसरी कैलरीज। वाई गिव डायरेक्ट इन्विटेशन टू मोटापा एंड डायबिटीज़ वेन यू कैन हैव दिस एंड अवॉइड डायबिटीज़। चाय पियेंगे और उसके बाद बनाएंगे पैनकेक्स। तो आपको मैं बताता हूँ पैनकेक कैसे बनाते हैं, और मैं मास्टर शेफ हूँ तो मैं आपको बताता हूँ अभी कैसे बनाते हैं पैनकेक। अभी मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाला हूँ मैं पैनकेक में, ठीक है। सो पहले होंगे दो अंडे, और ये है आटा। यू कैन यूज़ एनी आटा, यू कैन यूज़ आलमंड फ्लावर, यू कैन यूज़ कोकोनट फ्लावर, समटाइम्स आई यूज़ जवार फ्लावर, लेकिन आई डोंट हैव जवार राइट नाउ, सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोना यूज़ द नॉर्मल आटा। आई नो थोड़ा ग्लूटन इसमें ग्लूटन होता है, बट इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड ग्लूटन देन यू कैन ऐड आलमंड फ्लावर एंड कोकोनट फ्लावर, दैट्स अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव। और हम ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध टू मेक इट थिक, बेकिंग पाउडर ताकि वो फूले, वेनिला एसेंस फॉर द टेस्ट, बटर for topping. You can add you can top it with fruits also, but one more ingredient that I'm gonna add, I'm gonna show you, whey protein, chocolate flavor whey protein hai, and sweetness aa jati hai isme kyunki isme already ek sweetener hota hai, and you don't need to add sugar upar se, which again adds up to your invitation to the diabetes. ye sab main leke I'm gonna blend it nicely so that it becomes nice thick creamy, and then we're gonna put it on this non-stick pan. If you have a non-stick pan it's gonna be much better. दूध की क्वांटिटी 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आटा हम डालेंगे अराउंड 2 tablespoons, वेनिला एसेंस डालेंगे सिर्फ एक 2-3 ड्रॉप, और बेकिंग पाउडर हम डालेंगे अराउंड 1/2 teaspoon। और अब इसको कैसा है, नॉर्मली यू कैन विस्क इट, बट अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप विस्क कर लो इससे, ये जो होती है चीज़, इससे विस्क करोगे तो इट बिकम्स वेरी क्रीमी एंड थिक, बट इफ़ यू हैव अ ब्लेंडर देन ऑब्वियसली इट्स सोने पे सुहागा। तो आज हम ब्लेंडर ब्लेंड कर देते हैं। तो मैंने शुगर फ्री के टैबलेट्स को कूट दिया इस तरह, क्योंकि शुगर फ्री के टैबलेट्स दे डोंट ब्लेंड इन वेल इफ़ द सब्सटेंस दैट यू आर एडिंग इट टू इज़ नॉट हॉट, क्योंकि गर्म में ज़्यादा जल्दी घुलता है, ठंडा होगा तो नहीं घुलता, ये ठंडा है, अभी दूध ठंडा था। तो दिस इज़ 4 sugar-free tablets विच इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 4 teaspoons, 1 tablet ऑफ शुगर फ्री विल बी अराउंड 1 teaspoon ऑफ शुगर। बटर को लैदर कर दिया थोड़ा सा, तो पैन जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम ये डालेंगे। एकदम मस्त से धीरे धीरे जाता है एक्सपैंड। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय माता दी, जय महिष्मति, कुछ भी बोले तो अच्छा पलटता है। मैं मुसलमान होते हुए मैंने जय माता दी बोल दिया, लेकिन देखे सेक्युलरिज्म इसको कहते हैं। छोटू पैन तो छोटू है ना, तो छोटू पैन केक बना रहे तेरे को पता है एक मास्टर शेफ की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? क्या? यंग शेफ्स को चांस देता है, मौका देता है।
करने का. चरण कहाँ है आपके? जब बबल्स हो जाते हैं ना तब इट्स द बेस्ट टाइम टू पलटो इट. वहाँ दो ऑलरेडी रेडी है हमारे. अरे तीसरा ये बड़ा बनेगा और बेकार शेप का. देखो गौर से देखिए सौरभ को प्लीज. तो अब हम पैनकेक के ऊपर गर्मा गर्म पैनकेक के ऊपर बटर लगाएंगे मस्त. मैं होती तो मैदे वाला बनाती क्योंकि मेरा वेट कैसे भी नहीं बढ़ता है. झूठ बोल रही है. मैं पहले नहीं बढ़ता था अभी थोड़ा सा बढ़ा है. 1 kg एवरी मंथ. थोड़ा सा ना. नवंबर में 44 था अभी 49 हो गया. जिस गति से तुम जा रही हो ना 1 kg एक महीने में मतलब 12 महीने में तुम्हारा 12 किलो बढ़ने वाला है. नहीं बढ़ेगा. रोड टू डायबिटीज है. तू सांड है. तू चुनौती दे रही है डायबिटीज को. आजा मैदा खाऊंगी मैं. मैदा खा लो मोटे हो जाओ फिर बोलो अरे देख तू न्यूट्रिशनिस्ट है मेरा पतला कर दे थोड़ा. हाँ क्या फायदा. ओए तू मेरे बाल काटने वाली है या नहीं आज? हाँ ओए पूरी छूट दे रहा हूँ मैं तुम्हें जो करना है करो बालों के साथ. Two thousand years later. ठीक है I'm not bad. जनता को थोड़ा व्यू मिलता है देख के भाई गिरा देगी तू ऐसा पकड़ेगी. नहीं गिराऊंगी. I think I've done a decent job. ठीक है मतलब मेरे को बस बाल छोड़ने चाहिए थे. मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा लग रहा हूँ. देखो अभी और 2 हफ्ते घर में बैठना है. ये मेरे 2 घंटे की मेहनत है इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता. ले अपना कैमरा ले पकड़. द होल पॉइंट वाज कि मैं चोमू ना लगूँ और मैं नहीं लग रहा ऐसा रखूँ तो लग रहा हूँ चोमू. शट अप. सुनना स्कूल बॉय फील्स लगेगा देख रिक. सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक. हो गए बाल वाल कट करके नहा धो के रेडी हो गया मैं. आई थिंक इट्स अ फेयर हेयर कट. मस्त किया है. बहुत टाइम लग गया क्योंकि ऑब्वियसली हम नाई तो पैदा नहीं हुए है ना. हजाम तो पैदा नहीं हुए सब. वी आर नॉट हेयर ड्रेसर सो इट टेक्स टाइम एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क. श्वेता इज आउट ईटिंग लंच. आई हैव एन ऑनलाइन सेशन तो एज एम अ फिटनेस कोच आई हैव ऑनलाइन सेशंस विद द नेम ऑफ इवॉल्व लाइफ सेशंस. तो इवॉल्व में हम वर्कआउट कराते हैं मेडिटेशन कराते हैं योगा कराते हैं. बहुत इट्स फन फॉर पीपल. सो आई डोंट हैव टाइम फॉर लंच क्योंकि हेयर कट में बहुत टाइम लग गया. सो आई एम हैविंग माई प्रोटीन स्मूदी विच हैज़ वे प्रोटीन पीनट बटर मिल्क. सो अभी मैं चालू करूँगा मेरा लाइव सेशन. ठीक है तो चलो चलते हैं. बाय. चिकन है कैसे टेल देख कैसे लाए गरी. ओए होए दे दो ना दीदी थोड़ा सा दे दो ना. सो गाइस आज का ब्लॉग होता है समाप्त. हम अब सोने जा रहे हैं. टाटा बाय बाय नमस्कार गुड नाइट.